नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालिसिस करेंगे एक और लकी पाम का और जानेंगे इस पाम की खास बात। ये हैं 33 इयर्स ओल्ड मेल पर्सन और ये विदेश में रहते हैं। इनका प्रश्न है कि क्या इन्हें बिजनेस करना चाहिए या नौकरी ठीक रहेगी, और इनका प्रश्न है कि इनके आप अपनी वाइफ बच्चों से कैसे संबंध रहने वाले हैं। इस तरह के इनके कुछ क्वेश्चंस हैं। जीवन में कैसी तरक्की मिलेगी, कब तरक्की मिलेगी, इस तरह के प्रश्न हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न हम लेते हैं कि क्या इनको बिजनेस करना चाहिए। देखिए, बिजनेस करने के लिए हाथ में हम बुद्ध पर्वत को देखेंगे, बुद्ध पर्वत से निकलने वाली रेखाओं को देखिए, इस तरह से ये देखिए रेखाएँ डिस्टर्ब हैं। ऐसे लोग जब भी बिजनेस करते हैं लॉस उठाते हैं। यहाँ पर रेखा का ब्रेक हो जाना बीच बीच में से, यहाँ रेखा कंसिस्टेंसी नहीं है, रेखा में एक स्मूथनेस नहीं है कि एकदम सीधी स्ट्रेट रेखा चले। तो बिजनेस करने के लिए रेखा साफ़ सुथरी होना जरूरी है, लंबी स्वच्छ रेखा होनी चाहिए। होता क्या है, देखिए जब भी बिजनेस करता है इंसान तो हर कोई चाहता है कि एक साल में दो साल में रिटर्न आनी शुरू हो, इंसान को फ़ायदा हो, और आगे भी जब जीवन में बिजनेस को अगर तीन साल पाँच साल बाद देखा जाए तो वो ह्यूज रिटर्न वाला बिजनेस बन चुका हो। लेकिन जब इस तरह की रेखाएँ हों, टूट रही हों बीच में, तो वो बिजनेस रिटर्न्स नहीं देते, लॉसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। इंसान अपनी अच्छी खासी सेविंग्स लगा देता है लेकिन बिजनेस कामयाब नहीं होता और बिजनेस में लॉस उठाना पड़ता है। तो अगर इनका जो प्रश्न है बिजनेस को लेकर, तो हमारी तरफ से बिल्कुल ना है, इनको बिजनेस नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं सर्विस की, कि क्या सर्विस में क्या प्रॉस्पेरिटी है, क्या प्रॉस्पेक्ट्स हैं। ये उंगलियों की जो शेप है ये देखिए इस तरह से, जब भी ऐसी शेप होती है तो ऐसे लोग सर्विस करते हैं। सर्विस में नाम भी कमाते हैं, फेम भी कमाते हैं, प्रमोशंस भी मिलते हैं, तरक्की भी पाते हैं। देखिए यहाँ पर देखें तो एजुकेशन की रेखा इनके हाथ में बहुत अच्छी खासी है, इनके अंदर जो नॉलेज बहुत अच्छी होगी, इनके नॉलेज का भंडार होंगे, हर वक्त कुछ ना कुछ गेन करना, नॉलेज पाना, अपने अंदर की नॉलेज को बढ़ाने की इच्छा रखना, और इनका बुद्ध भी इस चीज़ को सपोर्ट करता है। बिजनेस आइडिया तो बहुत अच्छे होंगे इनके पास में, ये अच्छे सलाहकार भी बन सकते हैं, लेकिन इनको बिजनेस करके फ़ायदा उठाना वो चीज़ इनके हाथ में पॉसिबिलिटी नहीं दिखती। इनकी जो रेखा है ये इस तरह से, ये सर्विस की ओर ही इशारा करती है, ये सर्विस से ही इनको धन दिलाएगी, सर्विस वाला हाथ है ये। अब देखिए हाथ में जैसे कि प्रश्न थे और भी, वो हम धीरे धीरे वीडियो के दौरान लेके चलेंगे। अच्छा खासा रेक्टेंगुलर पाम है और पिंक कलर का पाम है, पिंकिश ब्राउन। ऐसे लोग जो भी पाते हैं अपने मेहनत के बलबूते पर पाते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में कोई शॉर्टकट नहीं होता, कोई ये सोचे कि एक रात में अमीर हो जाएं या कोई हमने ऐसा काम शुरू करें जिससे कि हमें खूब तरक्की मिलती चली जाए, नहीं। ये लोग ऐसे में इनको जब जब मेहनत करते हैं फल तभी मिलता है इनको, पकी पकाई रोटी जैसा कोई चीज़ इनके जीवन में नहीं होता। अब देखिए हाथ में रेक्टेंगुलर पाम वाले लोगों की एक खास बात होती है कि उनकी हमेशा मैंने देखी है कि मस्तिष्क रेखा बढ़िया होती है, उनको एक तरह से मेंटल लेवल काफ़ी बढ़िया होता है, काफ़ी स्ट्रांग होता है, माइंड बहुत स्ट्रांग होता है, नए नए आइडियाज़ डेवलप करने में काफ़ी अच्छे होते हैं। तो अब देखिए तो ऐसे लोग हर वक्त कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, कुछ ना कुछ नए आइडियाज़ जनरेट करते हैं, तो ये चीज़ हम रेक्टेंगुलर पाम वाले लोगों में देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो ये एम का चिन्ह अच्छा खासा है। एम का चिन्ह चार मुख्य रेखाओं से बनता है, हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा, भाग्य रेखा, जीवन रेखा। तो देखिए जब हमारा मस्तिष्क बहुत बढ़िया हो और इंसान अगर उससे अच्छी कमाई कर रहा है साथ में, तो हृदय भी सेटिस्फाइड रहता है, दिल खुश रहना, और जीवन यानी कि जीवन में अपने आप सुधार आ जाना, जीवन बढ़िया चलने लगना। तो एम का चिन्ह चार इन चीज़ों को बताता है। अब देखिए हाथ में यहाँ पर अगर हम देखें इनके, तो यहाँ पे जीवन का ग्राफ कुछ इस तरह से चल रहा है, यानी कि जो जीवन में इन्होंने स्ट्रगल करके शुरुआत करी उसी को लेके चलते जा रहे हैं। एक स्टेबिलिटी है, एक जीवन में ग्रोथ नहीं हो पा रही है, रुकावट है, ऐसा लग रहा है चीज़ें शांत बैठ गई हैं, जितना था जैसा था आज भी वही, उसी पे चल रहे हैं। तीन साल पहले जहां खड़े थे ऐसा लगता है वहीं खड़े हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा, आगे जीवन में बहुत कुछ अच्छा है, वो हम वीडियो के दौरान बताएंगे, और भी हम चीज़ें इनको उपाय देंगे ऐसे जिससे कि इनको जीवन में बहुत तरक्की मिल सके। अब देखिए हाथ में अगर हम देखें, इनका कहना ये भी है कि जीवन में सेविंग्स नहीं हो पाती, पैसा बहुत खर्च होता है। यहाँ पर देखें तो ये देखिए अंदरूनी पोजीशन ये जीवन में सॉलिड बना लेंगे, और यहाँ पर ये थोड़ा सा ट्रायंगल डिस्टर्ब है, ये देखिए ये ऐसे नहीं है, ट्रायंगल एकदम बंद नहीं हो रहा है, ये यहाँ से बंद हो रहा है, ये यहाँ से इस तरह से हो रहा है, ये पूरा और हाथों में क्या होता है ये इस तरह से पूरा बंद हो जाता है, तो थोड़ा सा ये चीज़ भी डिस्टर्ब करती है। यहाँ पर देखें हाथ में ये खुले हुए हैं, ये झरों के खुले हुए हैं, तो ये भी एक तरह से अनएक्सपेक्टेड होता है कि आपके खर्चे लाना, कई बार होता है कि खर्चों का लगा रहना, बार बार पैसे का खर्च होना, सेविंग्स कम होना, इस तरह की चीज़ों को इंडिकेट करता है। फिर भी लेकिन जीवन में अच्छी इंटरनल पोजिशन ये बना लेंगे, बैंक बैलेंस भी अच्छा क्रिएट कर लेंगे। अब आते हैं हाथ में इनके
और चीज़ देखेंगे कि क्या क्या अच्छे चिन्ह हैं इनके हाथ में। यहाँ पे आते हैं उंगलियों की ओर, तो उंगलियों को देखें तो ये देखिए यहाँ इधर की ओर बेंट हो रही है। ऐसे लोग ईश्वर में काफ़ी आस्था रखते हैं, भगवान में आस्था रखने वाले लोग होते हैं। तो ऐसे लोगों को अगर समय मिले तो देखिए भगवान के एक रिलीजियस माइंडेड होते हैं, ऊपर वाले में आस्था रखना, अगर मंदिर पास में हो तो मंदिर जाना, इस तरह की इनकी विचारधारा बनी रहती है। अब देखिए हाथ में अगर हम देखें तो सूर्य और जो गुरु की फिंगर है दोनों बराबर हैं, तो लीडरशिप क्वालिटी भी अच्छी होती हैं, साथ ही साथ इनके अंदर अपना टैलेंट भी बहुत भरपूर देखा जाता है। छोटी फिंगर यहाँ फर्स्ट फेलेंस तक नहीं आ रही है, थोड़ा सा रुक गई है, तो ऐसे में इंसान के अंदर भोला स्वभाव होता है और अपने भोलेपन के कारण लोग इन्हें एक तरह से अपनी बातों में फंसा लेते हैं और ठगे जाते हैं ऐसे लोग लोगों की बातों में आकर। तो इनको इस चीज़ का खास ख्याल रखना चाहिए। यहाँ पर मुझे लगता है एक छोटा सा तिल है, देखिए ये जो चीज़ है ये चीज़ों में रुकावटें लाता है। होता है क्या है, आपने कोई काम करने की सोची लेकिन कोई ना कोई रुकावट आके खड़ी हो जाती है, या एक काम को करने के लिए 2 से 3 चक्कर आपको लगाने पड़ते हैं, तो इस तरह की प्रॉब्लम का जीवन में आना। अब चलते हैं फिंगरप्रिंट की ओर, देखें इनके हाथ के फिंगरप्रिंट्स क्या कहते हैं। अब देखिए हाथ में यहाँ पर अगर हम देखें तो इस तरह का ये उल्लन लूप हमें दिखता है। ऐसे में इंसान अपने जीवन में प्रोफेशन में कई बार होता है कि अपने प्रोफेशन में मन ना लगना, अपने प्रोफेशन से कुछ अलग हटके सोचना, इस तरह का अनसेटिस्फेक्शन बनता है। कई बार होता है इंसान के ड्रीम्स बड़े होते हैं लेकिन उन ड्रीम्स को पूरा करने के लिए मेहनत ज़्यादा करनी पड़ जाती है, तो ये इस तरह की डिस्टर्बेंसेज हाथ में दिखती हैं। अब देखिए यहाँ पर शनि की फिंगर पर अगर हम देखें तो ये इस तरह का उल्लन लूप है। ऐसे में अगर हम देखें तो फेट में ऐसे लोगों को लगता है कि हमारे जीवन में जो हम चाह रहे हैं वैसी गाड़ी नहीं चल पा रही, वो जो चीज़ में हम अपनी इच्छा अनुसार करना चाहते हैं वैसा नहीं हो रहा, जीवन कहीं और चल रहा है, हम चाह कुछ और रहे हैं। लेकिन फिर भी ऐसे लोग जीवन में जो भी दिक्कतें परेशानियाँ आती हैं अपनी मेहनत समझदारी से उनसे अपने आप को पार लेते हैं। यहाँ पर देखें तो ये चक्र का बड़ा अच्छा निशान है और ये उंगली का ये पोर्शन काफ़ी फ्लफी भी है। ऐसे लोग अपने करियर में बहुत राइज करते हैं। अभी इनकी एज 33 इयर्स है, तो अभी इनको जैसे इस टाइप का जब हाथ होता है तो ऐसे लोग 35 और 40 के बीच में बहुत राइज करते हैं, बहुत अनएक्सपेक्टेड गेंस आते हैं ऐसे लोगों के जीवन में, कुछ ऐसी तरक्कियाँ जो इन्होंने सोची भी नहीं होंगी ऐसी ऐसी तरक्कियाँ भी आ जाती हैं जीवन में। कई बार होता है कि इंसान सोचता है कि यार ये मेरे जीवन में तो कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं हो रहा, मैं बेकार ही, कैसा चल रहा है मेरा जीवन, बिल्कुल बर्बाद, ऐसी फीलिंग आती है, नेगेटिव फीलिंग आती है। लेकिन इनका 35 से 40 वर्ष में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आते हैं, पॉजिटिव चेंजेस आते हैं और जीवन की गाड़ी काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगती है। यहाँ पर देखें इस तरह का उल्लन लूप दिखता है बुध की फिंगर पर, तो जब भी ऐसा उल्लन लूप होता है इंसान को अपने जीवन में स्टॉक शेयर मार्केट जुआ सट्टा इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए, नहीं तो ऐसे लोगों को नुकसान उठाना पड़ता है। कभी किसी में के बहकावे में आके अपने पैसे नहीं देना चाहिए, इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। कई बार होता है कि इंसान दूसरे पर विश्वास करके अपना पैसा दे देता है, उधार दे देता है या इन्वेस्टमेंट में लगा देता है, तो इनको ऐसे लोगों को बाद में लॉसेज ही होते हैं। अब चलते हैं अंगूठे की ओर, देखें इनका अंगूठा क्या कहता है। अब देखिए हाथ में यहाँ पर देखें तो इस तरह का उल्लू लूप है। ऐसे लोग अपने परिवार वालों को बहुत चाहते हैं, अपने परिवार वालों को बहुत प्यार करना, अपने परिवार वालों को जी जान से चाहना, इस तरह की चीज़ें दिखती हैं। मदद के लिए फौरन तैयार रहना, खासतौर से अपने भाई बहनों पर बहुत निछावर रहना। यहाँ पर देखें तो इस तरह की लाइन हाथ में दिखती है। ऐसे लोग अच्छे संस्कारी परिवार में जन्म लेते हैं और वो अपने कुल का नाम भी रोशन करते हैं। यहाँ पर देखें तो थोड़ा सा मुझे मैरिज की तरफ से एक हल्का सा एक यव का चिन्ह दिखता है, तो कई बार जीवन साथी से विचारों का ना मिलना या वैचारिक मतभेद होना, इस तरह की चीज़ें भी दिखती हैं। इनका एक प्रश्न था बच्चों के साथ कैसा रहेगा, देखिए बच्चों का सुख खूब भरपूर मिलेगा इन्हें, बच्चों के सुख से इनको आगे दिक्कत नहीं दिखती। अब देखिए हाथ में विल पावर का क्षेत्र बहुत बढ़िया है और लॉजिक और प्लानिंग का क्षेत्र भी इनका अच्छा है। और पीछे की ओर अगर हम देखें अंगूठा, इनका अंगूठा बहुत ज़्यादा पीछे की ओर नहीं मुड़ता होगा, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं होता है कि इंसान का जिद्दी स्वभाव होता है, थोड़ा सा जो भी चीज़ सोचते होंगे उसको करके दिखाने की इच्छा इनके अंदर बहुत ज़्यादा प्रबल देखी जाती होगी। अब चलते हैं हाथ में लेफ्ट हैंड की ओर, देखें लेफ्ट हैंड के चिन्ह क्या कहते हैं। अब देखिए हाथ में यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर भी हमें दिखता है उल्लू लूप, और ऐसे में जैसे हमने बताया राइट हैंड की तरह से कि अपने प्रोफेशन में अनसेटिस्फेक्शन होना। कई बार इंसान का होता है मन में कि मैं अपना प्रोफेशन चेंज कर लूँ, दूसरी लाइन पकड़ लूँ तो कैसा रहे, लेकिन ऐसे लोगों को अपने ही जिस लाइन में चल रहे होते हैं उसी लाइन में तरक्की मिलती है, उसी लाइन के बारे में सोचना चाहिए। यहाँ पर भी शनि की फिंगर पर हमें मिलता है एक उल्लू लूप, तो ऐसे में कई बार इंसान के जीवन में जो भी कठिनाई परेशानी आती है उसको ये लोग बहुत एक तरह से जारी से टैगल अप करते हैं। जो भी दिक्कत आती है उसको बहुत ध्यान से देख के समझ के
उस एक्सपीरियंस से सीखते हैं और जीवन में आगे यूज़ करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फिर से हमें दिखता है एक चक्र का निशान जो कि बहुत बढ़िया है, और सूर्य के फिंगर पर हमने राइट हैंड में भी देखा था चक्र का निशान, ये बहुत बढ़िया माना जाता है। जब दोनों उंगलियों पर चक्र का निशान होता है, इंसान अपने जीवन में बहुत तरक्की पाता है, अपने करियर में बहुत राइज करता है। यानी कि जब आप 60 साल में अपने आप को देखेंगे, एनालाइज करेंगे, चेक करेंगे, तो आपको लगेगा कि 25 वर्ष की उम्र में या 20 वर्ष की उम्र में जहाँ खड़ा था उससे कहीं 3-4 गुना लेवल आगे मैं पहुँच चुका हूँ। तो इस तरह का ये तरक्की दिलवाता है। तो ये चीज़ 35 से 40 वर्ष में एक्टिवेट हो जाती है, ये चिन्ह एक्टिवेट होते हैं और भरपूर फल देते हैं। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी हमें दिखता है उड़ना लूप। तो ऐसे लोगों को यही राय दी जाती है कि स्टॉक, शेयर मार्केट, जुआ, सट्टा, इस तरह की चीज़ों से दूर रहें, सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करें और जल्दबाजी में कोई डिसीजन ना लें, नहीं तो ऐसे में रुपये पैसे का नुकसान हो सकता है। अब आते हैं इनके हाथ में थंब की ओर, कि लेफ्ट हैंड का थंब क्या दिखाता है। अब देखिए यहाँ पर देखिए इस तरह का उड़न लूप है। ये भी बताता है पर अपने परिवार से प्यार करना, अपने परिवार का ध्यान रखना, अपने परिवार पर नौछावर होना, इस तरह की चीज़ें दिखाता है। तो ये इस टाइप के जो लूप्स होते हैं इंसान को बहुत काइंड हार्टेड बनाते हैं। परिवार की समय समय पर मदद करना, चाहे अपने भाई बहन हों, चाहे कोई अपने कजन्स हों, किसी भी तरह से जो भी परिवार वाले हों उन पर बहुत जान छिड़कना। अब आते हैं हाथ में इनके पर्वतों की ओर, देखें इनके हाथ के पर्वत क्या कहते। अब देखिए यहाँ पर गुरु पर्वत को देखें तो गुरु पर्वत मीडियम है इनका, थोड़ा सा फ्लैट टाइप है। जब भी इस तरह का गुरु पर्वत होता है तो इंसान, हमने देखा है ज़्यादातर फॉरेन कंट्री वाले लोगों के हाथ में ऐसा गुरु मिलता है क्योंकि वो अपने परिवार वालों को मिस करते हैं, अपने जान पहचान वालों को, कजन्स को, अपने जो बचपन की यादों में रहना या अपने चाइल्डहुड डेज को मिस करना, अपने फ्रेंड्स को मिस करना, इस तरह की चीज़ें देखी जाती हैं। यहाँ पर हाथ में एक चिन्ह दिखता है, देखिए ये कुछ खिड़की नुमा चिन्ह बन रहा है। अभी ये पूरी तरह से नहीं बना है, ये इस तरह का आधा चिन्ह बन रहा है। तो ऐसे में अगर ये हो सकता है कि कैमरे में पूरा विजिबल ना आया हो, इस तरह का चिन्ह बन रहा है ये, हो सकता है आगे आने वाले समय में ये इस तरह से पूरा कंप्लीट हो जाए। ये देखिए ये इस तरह से थोड़ा कम आया है। और हाथ में देखें तो जब ये इस तरह का खिड़की नुमा चिन्ह बन जाता है तो इंसान जीवन में खूब तरक्की पाता है। हो सकता है 1.5 साल के अंदर ये चिन्ह पूरा बन जाए। और एपेक्स का चिन्ह भी है, एपेक्स का चिन्ह इंसान को अपनी फील्ड की भरपूर नॉलेज भी देता है और अब जैसे लोगों को कई और चीज़ों में भी इंटरेस्ट आता है। यहाँ पर देखें हाथ में तो ये देखिए, ये यहाँ पर ये दो स्क्वायर टाइप बन रहे हैं। इस तरह से दो स्क्वायर बन रहे हैं। जब भी ये स्क्वायर बनते हैं इंसान अपने जीवन में थोड़ा सा हैसियत से बढ़कर खर्च करने की आदत होती है, तो उस वजह से कई बार होता है कि इंसान का सेविंग्स थोड़ा कम होना। और ये देखिए यहाँ पर ये हमने झरोके जो दिखाए थे आपको हाथ में, तो उन झरोकों की वजह से भी इंसान के जीवन में खर्चे लगे रहते हैं। फिर भी हाथ में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो कि हम आगे देखेंगे। यहाँ पर देखिए हाथ में एपेक्स का चिन्ह है जो इनको जीवन में जो भी कठिनाई आती है उनसे रक्षा करता है, उनसे उनको बचाता है। अब हाथ में अगर हम देखें तो ये दो तरह के फील्ड की पढ़ाई दिखाता है, दो तरह की फील्ड की पढ़ाई होना, नॉलेज होना, इस तरह की चीज़ें, अलग अलग ज्ञान सीखना, इस तरह की तीन रेखाएं निकल रही, अलग अलग ज्ञान सीखने की भी इच्छा रखता है। यहाँ पर देखें तो ये इस तरह से त्रिशूल नुमा चिन्ह बन रहा है। जब भी इस तरह का त्रिशूल नुमा चिन्ह बनता है तो इंसान अपने जीवन में बहुत तरक्की पाता है, खूब नेम फेम पाता है। और देखिए खास तौर से ऐसे लोगों के हाथ में, और ये देखिए यहाँ पर देखिए बॉक्स भी है, तो ये प्रॉपर्टी की ओर इंडिकेशन करता है। ऐसे लोग अपनी प्रॉपर्टी भी बना लेते हैं। और ये जो इस तरह का चिन्ह है ये बताता है थोड़ा सा 55 के आसपास काफ़ी अच्छा नेम फेम मिलना। यहाँ पर देखें तो एक मिस्टिक क्रॉस भी दिखता है हाथ में। तो मिस्टिक क्रॉस वाले हाथ में इंसान जीवन में जरूर तरक्की पाता है, जीवन में उनको काफ़ी धन धान्य की प्राप्ति होती है, काफ़ी जीवन में तरक्की भी पाते हैं। यहाँ पर देखें हाथ में तो एक तरह से अगर हम देखें इनहेरिटेंस का योग भी दिखता है कि किसी प्रकार से इनहेरिट करना, पैसे को पिताजी से लाभ मिलना, कई बार ऐसी भी चीज़ें होती हैं। यहाँ पर अगर हम देखें सूर्य पर्वत ना दबा हुआ है ना उभरा हुआ है, फ्लैट है। और देखिए जब भी ऐसा पर्वत होता है तो कई बार होता है कि इंसान को थोड़ा सा, जैसे कि अगर दबा हुआ ज़्यादा हो, आँखों का चश्मा होता है, पारिवारिक मतभेद होती है, इस तरह की चीज़ें होती हैं, लेकिन इनमें सम दिखाई देता है, यानी कि मीडियम है चीज़ें, और मीडियम है चीज़ें, कोई ऐसी दिक्कत परेशानी की बात नहीं दिखती। अब हाथ में जैसे मैंने त्रिशूल नुमा चिन्ह देखा, एक स्क्वायर देखा इनके हाथ में, तो ये भी बहुत अच्छा चिन्ह है सूर्य के पर्वत पर। और यहाँ पर जब हम बुद्ध पर्वत पर आते हैं तो ये देखिए ये इस तरह से
यहाँ पर भी एपेक्स का चिन्ह है। अपनी बात अच्छे से कहना, अपनी बात बताना, इस तरह की चीज़ें इनके अंदर होती हैं। अपनी बात दिल खुल के कह पाना, इस तरह का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा देखा जाता है। अब हाथ में आते हैं यहाँ पर इनके मंगल पर्वत पर। तो मंगल पर्वत पर देखिए, ये देखिए अच्छा खासा मंगल है। रिस्क टेकिंग एबिलिटी काफ़ी अच्छी है इनके अंदर। और अगर हम अंदरूनी मंगल की बात करें तो अंदरूनी मंगल भी अच्छा खासा है। ऐसे जब दोनों मंगल अच्छे होते हैं तो इंसान कई बार मंगली भी होता है, और साथ ही साथ ऐसे में इनके अंदर कई बार होता है प्रॉपर्टी से भी लाभ मिलता है ऐसे लोगों को, और साथ ही साथ थोड़ा सा गुस्सा तेज देखा जाता है। अब यहाँ पर अगर हम देखें इनके फॉरेन कंट्री में ये रहते हैं तो ऐसा इनको फॉरेन कंट्री से लाभ मिलने के कितने चांसेस हैं। अच्छा खासा चंद्र पर्वत है, काफ़ी फ्लफी है। यहाँ पर देखें तो लाइन ऑफ ये देखिए डिज़ायर्स है वाया लाजविया, और यहाँ से भाग्य रेखा का निकलना है। ये पूरी तरह से फॉरेन कंट्री की और इंडिकेशन करता है, फॉरेन कंट्री से ही लाभ मिलता है। ऐसे लोग अगर इंडिया आना भी चाहें तो बहुत बाद में आते हैं, बहुत बाद में ये सेटल होते हैं कि 60 ईयर्स के आसपास आना इस तरह की बात होती है, अदरवाइज ये फॉरेन कंट्री में ही सेट होना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर ये इस तरह से रेखा जा रही है, ये भाग्य रेखा पर आएंगे तब हम इस चीज़ को और देखेंगे। तो ये फॉरेन कंट्री की ओर ही इंडिकेशन कर रहा है कि जब तक ये काफ़ी लंबे समय तक फॉरेन कंट्री में रहेंगे और वहीं रहना कमाना इनका रहेगा। अब आते हैं हाथ में, देखिए ये छोटी छोटी रेखाएं ये यात्रा भी करवाएंगी इनको, और आगे चलते हैं अब इनके ये देखिए शुक्र पर्वत की ओर। अच्छा खासा शुक्र पर्वत है, अच्छा घेराव है, जीवन में लग्जरियस लाइफ रहती है। ऐसे लोग अच्छे पहनने ओढ़ने खाने पीने के शौकीन होते हैं, ऐसे लोग अपने ऊपर खर्च करने के भी शौकीन होते हैं। ऐसे लोग पैसे को एक तरह से शॉपिंग करने का शौक होना, जेंट्स होते हैं तब भी शॉपिंग करने का शौक होना, एक अच्छा ब्रांडेड मोबाइल, ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड चीज़ें, एक से एक अच्छी जीवन में सुख सुविधा के साधन इनके अंदर देखे जाते हैं। इनको एक होता है कि मेरे पास और पैसा आ जाए तो मैं जाने क्या ले लूँ अपने लिए, मेरे पास इतना पैसा हो तो मैं तो काश बहुत पैसा आए तो मैं अपने लिए ये लूँ, मैं अपना घर ऐसा बनवाऊँ, मैं अपने मेरे पास इतने तरह के कपड़े होने चाहिए, इतने तरह के जूते होने चाहिए, ऐसा लाइफस्टाइल होना चाहिए, इस तरह के ड्रीम्स इनके अंदर देखे जाते हैं। ऐसे लोग छोटे ड्रीम्स देखना पसंद नहीं करते, ऐसे लोग हमेशा बिग ड्रीम्स होते हैं, लाइफ किंग साइज इस तरह की लाइफस्टाइल इनको पसंद आती है, उससे छोटी लाइफस्टाइल इनको पसंद नहीं आती। अब देखिए हाथ में यहाँ पर देखें तो ये इस तरह की लंबी रेखा है जो जीवन में सपोर्ट के बारे में बताती है। ऐसे में कई बार अपने परिवार वालों का सपोर्ट जीवन में काफ़ी ज़्यादा दिखता है काफ़ी लंबे समय तक। कई बार होता है कि आपको अपनी जीवन में पत्नी का सपोर्ट मिलना, बच्चों का सपोर्ट मिलना, या परिवार का कोई बड़ा भाई बहन, इस तरह का सपोर्ट जीवन में काफ़ी लंबी लाइन ये चीज़ दिखाई देती है। अब आते हैं हाथ में रेखाओं की ओर, देखें इनके हाथ की रेखाएं क्या कहती हैं। यहाँ पर रेखा देखिए डिस्टर्ब है, तो ऐसा लगता है कि जीवन में बचपन में थोड़ा सा जैसे कि एक 15 साल की उम्र से लेके जो 20-22 साल तक की उम्र में काफ़ी हार्डवर्क करना, काफ़ी थोड़ा सा कष्ट जीवन में देखना, इस तरह की चीज़ दिखती है। ये अफ का चिन्ह भी दिखता है। यहाँ पर देखिए थोड़ा डार्कनेस है, अगर हम इसको थोड़ा बड़ा करके देखें तो ये काफ़ी डार्क धब्बेदार दिखता है, तो ये चीज़ इस चीज़ को दर्शाता है। लेकिन जैसे जैसे इनकी उम्र देखिए बढ़ती जा रही है, तरक्की भी जीवन में आती जा रही है। देखिए इस तरह से ये प्रोग्रेस लाइंस भी हैं, तो इन्होंने अपने 20s में अच्छी मेहनत जो करी होगी उसका अच्छा फल भी मिला होगा, अपनी एक तरक्की भी पाई होगी। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 30 वर्ष के आसपास ये दिखती है एक रेखा, इतनी लंबी रेखा जाना तो ये बताती है कोई फाइनेंशियल लॉस के बारे में, ये बड़े फाइनेंशियल लॉस के बारे में इशारा करती है। ऐसा लग रहा है 30 वर्ष के आसपास ये देखिए ये फाइनेंशियल लॉस, तो यहाँ पर ये इतना बड़ा जब मेंटल स्ट्रेस भी देती भी जा रही है तो ये ज़रूर फाइनेंशियल लॉस की ओर इंडिकेशन देती है। तो इनको देखिए सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, सोच समझ के कोई भी काम करना चाहिए पैसे का नहीं तो इनको लॉस झेलना पड़ सकता है। अब आते हैं हाथ में एक रेखा और हमें दिखती है, ये दिखती है कुछ 35 के आसपास, तो ये इस चीज़ का इनको ध्यान रखना चाहिए कि 35 के आसपास भी कोई स्ट्रेस लाइन दिखती है, तो किसी प्रकार का कोई किसी को पैसा विश्वास करके ना दें, क्योंकि इनकी हार्ट लाइन भी डिस्टर्ब है। देखिए बहुत गहरी हो रही है, तो गहरी जब इस तरह की होती है तो कई बार होता है कि लोग ऐसे लोगों को अपनी झांसे में फंसा लेते हैं। कोई सामने वाले ने कहा अरे बड़ी अच्छी स्कीम है, बड़ी जल्दी पैसे दुगने हो जाएंगे, बहुत बढ़िया हो जाएगा, ये हो जाएगा, वहाँ पैसा लगा दो, वहाँ ये कर दो, पता चला कि धोखा मिल गया इनको। तो ये सब चीज़ों का इनको ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए हाथ में अब इस चीज़ का देखिए, जो समय बीत गया उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आगे आने वाले समय के लिए हम इनको सजेस्ट करेंगे ओम राम रावे रमय का जाप करें, तो जिससे कि ये लाइन जो इनके हाथ में है उसका असर नलीफाई हो जाए। अभी समय है 33
33 ईयर्स एज है, 35 तक ये समय आएगा, तो इसके अगर उपाय करेंगे तो चीज़ें नलीफाई हो जाती हैं और इंसान को जो ख़राब समय होता है बहुत धीरे से आसानी से निकल जाएगा, जिसका पता इनको चलेगा भी नहीं। यहाँ पर देखिए एक बड़ी अच्छी उन्नति की रेखा दिखती है, ये दिखती है करीब 45 के आसपास दिखती है, जिसमें इनको काफ़ी बेनिफिट होता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे अगर हम हाथ पे बात करें तो ये देखा थोड़ी सी खरखरा रही है, तो थोड़ा सा एक होता है कि कई बार हेल्थ इश्यूज होते हैं ओल्ड एज में, थोड़े हेल्थ इश्यूज का होना तो जीवन में देखिए क्या होता है, कई बार होता है कि शरीर थोड़ा सा कमज़ोर हो जाना, इस तरह की चीज़ें दिखती हैं। बाकी कोई ऐसी बड़ी हेल्थ इशू हाथ में नहीं दिखती। कई बार होता है कि पेट का गड़बड़ होना, इस तरह की देखिए बुध रेखा हो, स्वास्थ्य रेखा हो, पेट संबंधित दिक्कत है, पेट वाले एरिया की दिक्कतें होना, इनडाइजेशन होना, या इंसान को थोड़ा सा थोड़ा फटीग रहना, यानी कि होता है थोड़ा सा कि जल्दी थकान महसूस होना, इस तरह की चीज़ें दिखती हैं। और यहाँ पर देखें हाथ में तो ये देखिए हाथ में, अब चलते हैं भाग्य रेखा की ओर। भाग्य रेखा देखिए अच्छी खासी चल रही है, यहाँ पर दिखता है कि ये इस तरह से 32-31 के आसपास एक कट दिख रहा है, तो कोई ना कोई फाइनेंशियल स्ट्रेस दिखाई देता है। अब अगर हम देखें तो ये 35 के आसपास, 33 से 35 के आसपास राह बदल रही है, तो कुछ ना कुछ जीवन में नए का शुरुआत होना, और ये रेखा एकदम सीधी साफ स्वच्छ चली आ रही है। यहाँ पर छोटा सा एक कट है, ये 38 के आसपास दिखता है, 38 के आसपास कोई चेंजेस या कोई बड़ा खर्चा करना, फिर 46-47 के आसपास खर्चा करना, और यहाँ पर 53 के आसपास ये कुछ नया शुरू करेंगे, नए स्रोत इनकम के बना लेंगे, तो जीवन में अच्छा खासा बढ़िया पैसे का बना रहेगा। यहाँ पर देखें तो ये रेखा थोड़ी सी टफ दिखती है, स्ट्रगल दिखता है लाइफ में। यहाँ पर रेखा अगर हम देखें 35-37 के आसपास ये रेखा स्मूथ होती जा रही है, ये रेखा स्मूथ चल रही है इस तरह से। और अब हम देखते हैं हाथ में, यहाँ पर इनका ये देखिए मस्तिष्क रेखा को, मस्तिष्क रेखा इनकी थोड़ी सी दबाव नुमा दिखती है, ये देखिए 30 ईयर्स तक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस दिख रहा है जीवन रेखा, इस तरह मस्तिष्क रेखा पर स्ट्रेस है, लेकिन जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ रही है स्ट्रेस कम होता जा रहा है। थोड़ा सा कई बार होता है कि इंसान ज़्यादा सोचा विचारी करता है तो इनकी रेखा ऐसी हो जाती है, लेकिन ये देखिए जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी रेखा साफ हो रही है, यहाँ पर कितना स्ट्रेस है, लेकिन जैसे ही ये 35-37 क्रॉस करेंगे स्ट्रेस क्लियर हो रहा है। यहाँ पर देखें तो हृदय रेखा डिस्टर्ब है, देखिए हृदय रेखा पर बहुत दबाव है। ऐसे लोग जब भी दूसरों के लिए कुछ अच्छा करते हैं तब इनको तारीफ नहीं मिलती बल्कि ताने सुनने को मिलते हैं। यहाँ पर देखिए इस तरह से ये ताने सुनने को मिलते हैं। यहाँ पर देखिए यव के चिन्ह, कई बार धोखा मिलना, अपनों से ही धोखा मिलना, जिस किसी की आपने मदद करी उसी इंसान से आपको धोखा मिलना, ताने मिलना, ये सब चीज़ें दिखती है। ये फोक नुमा चिन्ह बताता है कि आपको मदद करने की बहुत आदत है, किसी के दो आंसू रोए फौरन दौड़ के मदद करने को तैयार हो जाते हैं ऐसे लोग, और ऐसे लोगों का दिल बहुत बड़ा होता है। अगर इनके पास दो रोटी होंगी तो उसमें से एक या डेढ़ रोटी सामने वाले को खिला देंगे कि भाई मैं चाहे भले ही भूखे पेट रह जाऊँ लेकिन दूसरे को सामने वाले का पेट भरना बहुत ज़रूरी है, इस तरह की विचारधारा इनके अंदर देखी जाती है। अब देखिए हाथ में अगर हम देखें इनका तो अच्छा खासा त्रिशूल का चिन्ह भी हमने राइट हैंड में देखा, और विद्या की रेखा इनकी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी विद्या लिखवा के लाए हैं ये ऊपर से। और ये देखिए हाथ में अगर हम देखें धन की रेखा भी बहुत बढ़िया है, जो जीवन में आगे इनको काफ़ी अच्छे फल भी देगी। और अगर इनको सजेस्ट करेंगे कि थोड़ा गायत्री मंत्र का जाप करें उससे भी इनको लाभ मिलेगा, और जो राहु का हमने बताया था ओम राम रावे नमः वो भी जाप करने से लाभ मिलेगा। अब देखिए हाथ में आते हैं इनके लेफ्ट हैंड पर, देखें लेफ्ट हैंड क्या कहता है। एक इनका प्रश्न था अपनी पत्नी और बच्चों के बारे में कि कैसा रहेगा, ये देखिए कुछ ये वैचारिक मतभेद दिखाई देता है, मैरिज लाइन में वैचारिक मतभेद है, और ऐसा लगता है कि थोड़ा सा पति पत्नी या तो अलग रहे हों, कई बार इस तरह से भी तभी ये रेखा आ जाती है, या वैचारिक शादी की शुरुआत में अलग रहना पड़े, या होता है आपस में विचारों का ना मिलना, तब भी ये चीज़ दिखाई देती है। अब देखते हैं इनके हाथ में लेफ्ट हैंड क्या कहता है। अब देखिए इस हाथ में हमें यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड में यहाँ पर भी ये देखिए ये इस तरह का अगर हम देखें तो ये यहाँ पर एक ये यहाँ पर भी कुछ इस तरह की चीज़ दिखती है। तो कोई कई बार होता है आपस में तालमेल ना बैठना, या थोड़ा सा एक होता है कि विचारों का मतभेद हो जाना, इस तरह की चीज़ें दिखाई पड़ती है। और देखिए कई बार होता है कि इस तरह का मतभेद होना आजकल आम बात है, क्योंकि कई होता है कि हर कोई इंसान कहता है, पति कहता है मेरी बात सही है, पत्नी कहती है मेरी भी बात सही है, तो इस तरह की छोटे मोटी चीज़ें होती रहती हैं जीवन में। अब चलिए आते हैं हाथ में लेफ्ट हैंड।
अब देखिए हाथ में लेफ्ट हैंड को देखें तो यहाँ पर भी शुक्र पर्वत बहुत बढ़िया है, चंद्र पर्वत अच्छा है, यहाँ से भाग्य रेखा निकल रही है और मंगल भी बहुत अच्छा है, दोनों मंगल बढ़िया है। यहाँ पर देखें तो गुरु पर्वत अच्छा है राइट हैंड में, बल्कि थोड़ा सा दबा हुआ था, यहाँ पर भी बुध पर्वत अच्छा है। और ये देखिए सूर्य पर्वत पर इस तरह की रेखा भी है, और ये देखिए इस तरह की रेखा आ रही है। यहाँ पर एक मछली का चिन्ह है जो ओल्ड एज लग्जरियस बनाता है। और अगर हम देखें तो एक शुक्र वलय को हम पूरा नहीं कह सकते, ये इस तरह का शुक्र वलय है और ये देखिए शायद कुछ इस तरह से बन रहा है, हो सकता है कि ये इस तरह से बने। अगर ये पूरा इस तरह से कंप्लीट हो रहा है तो जीवन में शुक्र वलय होता है, परिवार वालों को भाग्य देते हैं ऐसे लोग, जब जन्म लेते हैं तो माता पिता को भाग्य देना और शादी के बाद पत्नी को भाग्य देना और अपने परिवार वालों को बच्चों को भाग्य देना, इस तरह से अपने भाई बहनों को भाग्य देना, इस तरह की चीज़ भी रिफ्लेक्ट होती है। यहाँ पर हाथ में देखें तो मस्तिष्क रेखा काफ़ी डिस्टर्ब दिखती है, 35 तक काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होना इस तरह की चीज़ दिखती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे मस्तिष्क रेखा भी शांत होगी और अपना अच्छा फल दे रही है। यहाँ पर देखें तो बुध रेखा इस तरह की है लेकिन फिर भी परंतु बहुत डार्क नहीं है, तो बिजनेस के लिए हमारी तरफ बिजनेस करने वाला हैंड नहीं दिखता, अगर बिजनेस करेंगे तो लॉस ही मिलेगा। और ये देखिए छोटे छोटे झरोके इस हाथ पे भी दिखते हैं जो खर्ची की ओर इशारा करते हैं। विद्या रेखा देखें, इस हाथ में भी विद्या रेखा काफ़ी बढ़िया है, दो या दो से ज़्यादा फील्ड की विद्या भी इनके हाथ में दिखती है। अगर हम देखें तो दोनों हाथों का समावेश निकालें तो देखिए क्या होता है कि अगर हम लेफ्ट हैंड वो होता है जो परिवार वाले, जो परवरिश हमें हमारे माता पिता से मिलती है, और राइट हैंड वो होता है जो जीवन में हम खुद अपने बलबूते पर बनाते हैं। लेफ्ट हैंड भी इनका अच्छा है परंतु भाग्य रेखा की बात करें तो राइट हैंड में भाग्य रेखा काफ़ी बढ़िया है, राइट हैंड में भाग्य रेखा काफ़ी सीधी साफ स्वच्छ चल रही है। यहाँ पर एक मछली का चिन्ह दिखता है जो ओल्ड एज लग्जरियस भी बनाता है, तो लेकिन राइट हैंड में भाग्य रेखा बहुत बढ़िया है। और भी अच्छे अच्छे चिन्ह हमने देखे तो राइट हैंड काफ़ी पावरफुल है, जीवन में बहुत तरक्की कराएगा। और हमने दोनों हैंड्स में सूर्य की फिंगर पर हमने देखा था चक्र का निशान जो इनको अपने प्रोफेशन में बहुत नेम फेम भी दिलवाएगा। अब अगर हम इनके हाथ में थोड़ा सा और देखें तो हमें दिखता है कि इनको किसी पर विश्वास करने से रुकना चाहिए, जल्दी किसी पर विश्वास ना करें, जल्दबाजी में डिसीजन ना लें, या कई बार होता है कि भोला स्वभाव होने के कारण लोग इनसे फायदा उठा ले जाते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और जो हमने जाप बताए हैं, मंत्र बताया, उसको शुरू करें, उससे भी लाभ मिलेगा। एक चीज़ और ये हो सकता है छोटा सा तिल हो यहाँ पर, तो ये इंसान के जीवन में तो होता क्या है, अटकलें लगाता है, समस्याएं दिलवाता है, तो ऐसे में इनको होता है कि जो भी दान करें, जब भी दान करें तो शनिवार के दिन करें। देखिए फॉरेन कंट्री में थोड़ा सा उपाय करना मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी ऐसे उपाय बताए जाते हैं जो इंसान आसानी से कर सके। कोई भी आप शनिवार के दिन किसी गरीब को फीड करा सकते हैं, किसी को एक कप चाय पिला सकते हैं, या फिर आप जब भी डोनेट करें तो सैटरडे के दिन करें, उससे भी इस तिल का असर कम होता है। ये तिल हल्का है लेकिन और हल्का हो जाएगा, इसका असर नलीफाई हो जाएगा। तो हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि जो भी इनकी परेशानी है, दुख है, वो सब दूर हों और इनके जीवन में खूब तरक्की पाएँ। तो ये था इनके हैंड का एनालिसिस। धन्यवाद।